स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ मनीषा कौशिक, आपकी साइकिक गाइड। आई एम एन एस्ट्रो टारो एक्सपर्ट, अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु फंक्शन कंसल्टेंट। ड्रीम एनालिसिस करते हैं हम हर हफ्ते, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आदत हो गई है मेरे इस शो की, और लिखते भी हैं। और आज उनमें से ही एक सवाल मैं लेना चाह रही हूँ जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि मैं भी जब से ड्रीम एनालिसिस कर रही हूँ तो काफ़ी बार ये सवाल आता है कि हम खुद को जो है, हम अच्छे खासे सेटल्ड हैं, बिजनेस है, करियर है, या हाउसवाइफ ही हूँ, फिर भी मैं खुद को एग्ज़ाम देते हुए नजर देखती हूँ सपने में। तो इसका मतलब क्या है? एग्ज़ाम्स बेसिकली क्या है? अपने बचपन की ओर जाते हैं। जब एग्ज़ाम्स होते थे वो क्यों? क्योंकि हम लाइफ में या हम अपना कोई कोर्स जो है वो हम स्टडी कर रहे थे, और हमसे वो पूछा जाता था कि आपने कितना अच्छा इसे स्टडी किया है टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? सेकेंड, एग्ज़ाम जब भी देने जाते थे, लाख तैयारी क्यों ना हो, फिर भी एक वो नर्वसनेस, एक वो एंग्जाइटी, फिंगर्स में पसीना आना, या वो लास्ट मिनट जो स्ट्रेस था, जो कितनी बार तो मैंने देखा कि मेरे साथ आसपास वाले लोग भी, मुझे तो कभी खैर ऐसी टेंशन नहीं हुई बचपन से, आई बीन अ गुड स्टूडेंट, कि क्वेश्चन पेपर देखते ही एकदम आसपास जो है ना वो तितलियाँ मंडरा रही होती थी कि सब कुछ ऐसा लगता था कि भूल गए, और 10 मिनट बाद वो लोग होश में आते थे। तो एग्ज़ाम्स जो है ना वो हमारी लाइफ में, एक्चुअली लाइफ हमारे एग्ज़ाम्स रोज़ लेती है। हमारी लाइफ में ऐसे कितने सिचुएशंस होते हैं कि जब हमें लगता है कि वी अपीयर्ड फॉर समथिंग, फॉर एग्जाम्पल किसी नए इंसान से बात करना, किसी कोई नई जॉब पकड़ना, कोई नए काम की शुरुआत करना, कोई हमने कोई चीज़ नहीं की, कोई नया फ़ोन ही भले क्यों ना ट्राई करना हो, या कोई नया सेटअप जो है, कोई नया सिस्टम, कोई नया लैपटॉप, एनीथिंग न्यू which is coming in your hands is a kind of exam. तो ये जो एग्ज़ाम आने के जो सपने हैं ना, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी चल रही है, और काफ़ी समय से आपको ये लग रहा है कि मुझे परखा जा रहा है। तो वो परखने की जो फीलिंग है, अगर वो लाइफ में किसी भी सिचुएशन के अंदर आ रही हो, तो आपको ऐसे सपने आना जायज़ है कि मैं किसी एग्ज़ाम के अंदर हूँ। अब एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाना इज़ इनसिक्योरिटी, यानी कि आपको अपनी करंट लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। तो उस सिचुएशन को जब हम हील करेंगे ना, तो ये एग्ज़ाम में पास भी हो जाएंगे आप। और अगर आपको ये एग्ज़ाम सपने ये आते हैं कि मेरा एग्ज़ाम था और मैं पास हो गया हूँ, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गिविंग यू पॉजिटिविटी, दैट इज़ समथिंग विच इज़ गिविंग यू कॉन्फिडेंस। तो अब अपने एग्ज़ाम वाले सपने से डरिए मत, बिकॉज नेगेटिव क्या है अगर उसमें कि आप फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब आपको अपनी लाइफ में फोकस और बढ़ाना पड़ेगा, अपनी इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर आप पास हो गए, तो वैसे ही इट्स अ गुड न्यूज़ कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, और जो पॉजिटिविटी है, वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने वाली है कि लाइफ में जैसी भी सिचुएशन हो, आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सो स्टे ट्यून्ड, देयर इज लॉट्स मोर कमिंग इन, एंड डू सब्सक्राइब एंड डू सेंड मी योर क्वेश्चंस कि अक्सर सपना देखा क्या, उसका मतलब तो इवैल्यूएट करें। टेक केयर, बाय बाय।